रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलिए आज मैं आप सभी के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और गाजर के हलवे के लिए मैंने लिए हैं गाजर जो कि 1 kg गाजर है, और इन्हें हमने घिस लिया है, अच्छे से पहले छील के धो के घिस लिया है। और खोया लिया है, 250 ग्राम हमने खोया लिया है। ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इसमें, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, और 1 चम्मच इलायची पाउडर है जो मिक्सी में पीस लिया, और ये देसी घी है 2 बड़े चम्मच, और ये दूध है, ये दूध करीबन 1/2 लीटर के आसपास है। चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब मैंने कढ़ाई गैस पे रख दी है गर्म होने। अब मैं इसमें ये सारी गाजरें डालूंगी। के लिए मैं गाजरों का पानी अच्छे से सूखने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें दूध डालूंगी। सब पहले इसमें थोड़ा ड्राई पन आने देंगे, पानी सूख जाए गाजरों का अच्छे से। ये बहुत ही जल्दी बनने वाले हलवे की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और गाजर के हलवे को हमें कंटिन्यू हिलाना पड़ता है जिससे कि वो नीचे ना लग जाए बर्तन पे। चलिए अभी हम 5 मिनट वेट करेंगे, जिसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब लगभग 5 मिनट हो गए हैं इसे कुक होते हुए, अब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। अब हमें ये दूध को सूखने देना है, अच्छे से इसे कुक करना है लगातार हिलाते हुए। जब ये दूध सूखेगा उसके बाद हम लोग इसमें खोया ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें दूध बहुत अच्छे से क्वांटिटी में भी है, रिड्यूस नहीं हुआ। अभी हम वेट करेंगे कि दूध रिड्यूस हो जाए अच्छे से। इसी तरह हमें लगातार चलाते हुए इसे पकाना है। अब आप सभी देख सकते हैं कि कितने अच्छे से दूध सूख चुका है, गाजर भी अच्छे से भुन चुकी हैं, कितना अच्छा इसमें कलर आने लगा है। अब मैं इस समय भी ये और पकाऊंगी, और अभी इस समय मैं इसमें खोया ऐड करने लगी हूँ। हाथों से इस तरह तोड़ तोड़ के इसे डाले हुए वो ढाई सौ ग्राम खोया लिया है मैंने इसमें। अब सभी चीजों को अच्छे से मिलाना है हमें। अभी खोए के संग भी हमें इसे कुक करना है गाजर को। खोए को इस तरह अच्छे से मिला देना है, देख सकते हैं पहले मोटा मोटा खोया लग रहा था, मिक्स करते गए कंटिन्यू हम चलाते हैं तो इस तरह अच्छे से मिक्स हो चुका है। जितना अच्छे से दूध ज़्यादा और खोया ज़्यादा डलेगा उतना ही टेस्टी गाजर का हलवा बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से खोया हमारा मिक्स हो गया है, जो मोटा मोटा लग रहा था वो सब हट गया है, मेल्ट होता जा रहा है इसमें। अब इसमें मैं इलायची पाउडर अभी हम डाल देंगे। इलायची पाउडर अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, इससे अच्छी खुशबू आएगी। अभी हमें इसे और अच्छे से कुक करना है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कुक हो चुका है, कंटिन्यू हिलाने का नतीजा ही होता है। आप देख सकते हो बिल्कुल हमारी कढ़ाई अच्छे से साफ है, कहीं भी हमारा गाजर का हलवा लगा नहीं है इसे, क्योंकि हमने इसे लगातार हिलाते रहे जिससे कि कहीं भी हमारा गाजर का हलवा चिपके ना। अभी कुक होने के लिए शुरू हो चुका है, अभी भी इसमें बहुत टाइम लगेगा,
अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दे रही हूँ। एक बड़ी कटोरी मैंने नाप के चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से चीनी को हलवे में मिक्स करें। चीनी मेल्ट होने तक हमें इसी तरह कंटिन्यू करते रहना है। अब आप देख सकते हो चीनी डालते ही कलर भी चेंज हो गया, बिल्कुल प्रॉपर रेड कलर आ गया है। पहले कलर में थोड़ा डिफरेंस था। अभी भी हम इसे कुक करेंगे बहुत अच्छे से। ये छोटा सा तड़के वाला बर्तन का है, इसमें एक चम्मच देसी घी डाला है। इसमें ये काजू मैं डाल रही हूँ। ये घी में रोस्ट करेंगे और फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट में सब डालेंगे। काजू के हलवे में सेम गैस पे मुझे इसे हल्का सा इसे रोस्ट कर रही हूँ इस तरह। आप देख सकते हो गोल्डन होने शुरू हो गए। अब बस मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। हल्का सा और हल्का सा बनेगा सेकेंड। बस अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ और घी से। अब ये जो बादाम है ये भी हल्के बादाम भी अब इसमें थोड़े से मैं ऐसे ही कच्चे रहने दे रही हूँ जो मैंने ऊपर से गार्निश करने हैं। और थोड़े से मैं इसमें कर दे रही हूँ घी में गरम में फ्राई से हल्के से रोस्ट। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और ये निकाल लेती हूँ। मैंने काजू के साथ ही रख देती हूँ घी में। ठीक है, और ये घी भी मैं अभी लास्ट में गाजर के हलवे में ऐड कर दूँगी। इस तरह रख देती हूँ। आप देख सकते हैं हलवा भी अभी कुक हो रहा है। चीनी डालने के बाद आप देख सकते हैं कितना गीलापन आ गया है इसमें, क्योंकि चीनी भी पिघली है। अब हमें फिर से इसे सुखाना पड़ेगा, बिल्कुल सुखा के अच्छे से फिर। और ये जो मैंने ड्राई फ्रूट करे हैं ये मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। काजू थोड़े से रख लेती हूँ। पिस्ता, किशमिश थोड़े थोड़े से मैं ऊपर से सजाऊंगी और थोड़े पर डाल दे रही हूँ। बस हमें सब चीज़ों को अच्छे से और थोड़ी देर पकाना है। अभी भी हमें 5 से 10 मिनट लग जाएंगे ये जो सिम गैस पे सब कुछ करना पड़ता है इस वजह से। और ये अच्छे से बस हलवा हमारा रेडी है थोड़ी देर में। अब आप देख सकते हैं गाजर का हलवा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया बनके। अब सबसे लास्ट प्रोसेस करना है, मैंने इसमें देसी घी ऐड करना है। आप चाहें तो ये ऑप्शनल होता है, घी चाहें तो ऐड करें ना करें, कम ज़्यादा आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं। इससे थोड़ा टेस्ट और अच्छा हो जाता है। बस अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसे गार्निश करके दिखाती हूँ। जो बचाया हुआ बादाम था वो डाल दिया, काजू, पिस्ता और किशमिश। और ये ऑयल भी घी था जो ये भी ऊपर से इससे डाल दिया बचा हुआ। थोड़ा सा घी और डाल दूँ इसमें, गर्म है अभी के अभी मेल्ट हो जाएगा। गाजर का हलवा बनके तैयार है। आप भी मेरी रेसिपी को अपने घर जरूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप क्या नाम है मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।